शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। चांद तारे मुझे जानते हैं, ये सारे नजारे मुझे जानते हैं। पत्थर की मूर्तियाँ जिनमें न दिल होता है न जज्बा, पत्थरों के साथ काम करते करते तुम्हारा दिल भी पत्थर का हो जाता है। जीवन तो जन्म जन्म का खेल है, ईश्वर ने चाहा तो अगले जन्म में फिर आपकी सेवा करूँगी। दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा, बिना कारण कोई बात नहीं होती। क्या है मुझमें जो मैं माँ कहला सकूं? मुझ जैसी औरत किसी की भी माँ नहीं हो सकती। सुब्रमण्यम जी, आपको तो हमारा बजट मालूम है, आप कुछ भी करके ऐसा मकान ढूंढ दीजिए जहाँ हम घर बना सके। हमारे मैं हमेशा मैं करते रहे, फिर बात होती रही तू मैं पर। जिस तरह की जिंदगी वो जी रहा है ना, मुझे बहुत डर लगता है एक दिन जिंदगी उससे हिसाब मांगेगी और देव चुका नहीं पाएगा। शर्मिला टैगोर के करियर को सवारने और उसे पीक पर पहुंचाने में शक्ति सामंता और ऋषिकेश मुखर्जी का सॉलिड कंट्रीब्यूशन रहा। शक्ति दाने उन्हें मेनस्ट्रीम फिल्मों में सवारा तो ऋषि दाने उनके संजीदा और कॉमिक एक्ट को निखारा। 1967 से पहले बॉलीवुड की किसी भी टॉप ग्रेड की हीरोइन ने स्विम सूट में पर्दे पर अपियर होने की हिम्मत नहीं दिखाई थी, इसीलिए शर्मिला टैगोर ने जब एन इवनिंग इन पेरिस में ऐसी डेयरिंग की तो ऑडियंस दंग रह गई। बॉम्बे की सड़कों पर उनके इसी इमेज की बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद शक्ति दा को रिक्वेस्ट करके शर्मिला को ये होर्डिंग्स उतरवाने पड़े, क्योंकि उनकी होने वाली मदर इन लॉ उन्हें देखने आ रही थी और शर्मिला नहीं चाहती थी कि उनकी बिकिनी वाली इमेज से उनकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो। क्रिकेट और बॉलीवुड के रिश्ते की शुरुआत शर्मिला और पटौड़ी की प्रेम कहानी से ही हुई, जो आज भी जारी है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली इसके लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं। पटौड़ी और शर्मिला की पहली मुलाकात 1965 में हुई थी, जो अगले चार सालों में शादी के फैसले तक जा पहुंची और 1969 को उनके रिलेशनशिप को पति पत्नी का नाम मिल गया। डिफरेंट बैकग्राउंड्स की वजह से लोगों को लगा था कि उनकी शादी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी, लेकिन पटौड़ी और शर्मिला की लव मैरिज मिसाल बन गई। तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना कुछ क्लिप्स देखी जाएं? देवी की पदवी का लालच देकर तुम मुझे अपने कर्तव्य से गिराना चाहती हो? ना, मुझे नहीं बनना ऐसी देवी। मैं एक इंसान हूँ, एक औरत हूँ, जो अपने पति के हत्यारे को माफ करके पाप की भागी नहीं बन सकती। मधुबे, मेरे पति की व्याकुल आत्मा तो उसी दिन से अपने बदले के लिए तड़प रही है। जब तक मैं उस राक्षस के गले में फांसी का फंदा ना देख लूं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जाओ, दो दिन और जी भर के अपनी मांग में सिंदूर भर, और फिर उस दुष्ट के फांसी लगने पर अगर ये सिंदूर तुमसे न मिटाया जा सके तो मेरे पास आ जाना, मैं खुद इसे अपने हाथ से मिटा दूंगी। मेरा सिर्फ एक ही अरमान था योर ऑनर, जिस बच्चे को बचाने के लिए मुझे इस कीचड़ में उतरना पड़ा, उसे इस धरती पर इंद्र के सिवा कोई नहीं बचा सकता। इंद्र, इंद्र तुम ही मीनू को बचा सकते हो, सिर्फ तुम। उसे बचा लो इंद्र, उसे बचा लो। What such are you talking about? हम लोग सब थे वहां, हमने उन्हें फिसलकर पानी में गिरते हुए देखा, हार्ट अटैक होते देखा, उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ा। I'm sorry माँ, वो मगर मैं क्या करूं, वो मुझे मिला था हबीबुल्ला पाशा। क्या नाम कहा? He calls himself happy. Happy with an eye. How do you know? जब वो पहली बार यहाँ आया था, हम ही ने उसकी मदद की थी। ये उसने मुझे बताया। तो ये भी बताया होगा
कि उसे पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया था क्योंकि उसे पैरानॉइड डिल्यूशनल और ओसीडी के दौरे आते थे और वो मुंह छुपाने के लिए टोरंटो भाग गया था। नहीं ना, यू कैन ट्रस्ट हिम बेटे, वो बिल्कुल पागल है। शादी के बाद भी शर्मिला का जादू सिल्वर स्क्रीन पर बरकरार रहा, इनफैक्ट उसमें और निखार आ गया। आराधना में उनकी खूबसूरती और अदाकारी दोनों एक साथ अपने पीक पर दिखाई दी, जिसके लिए उन्होंने न सिर्फ फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हासिल किया बल्कि राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी ऐसी हिट हुई कि उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस को अपने ताबे में ले लिया था। अरे वाह वाह, क्या बात है, चलो शुरू हो जाओ। बाद में नहीं, एक साथ, प्लेट भी एक ही है ना। मैं यहाँ बैठकर खाना खाऊंगी। क्यों, जगह पसंद नहीं आई? हम लोग शादी के बाद भी इसी तरह साथ साथ बैठकर खाया करेंगे। आज ऑफिस से छुट्टी कैसे मिली? बीमार हूँ ना। कितने झूठे हो मानसी, अच्छे काम के लिए झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं। अच्छा काम, ये अच्छा काम हो रहा है? इससे और अच्छा काम क्या हो सकता है? एक प्रेमी ऑफिस से बंक मार के और एक प्रेमिका कॉलेज से बंक मार के एक साथ बैठकर पिकनिक मनाए सन्नाटे में। चलो इसी बात पर खाना हो जाए, सन्नाटे में। जवान, जवाब नहीं तुम्हारा, क्या खाना बना? आधा वर्ष। मेरी दादी कहा करती थी कि मर्द का दिल जीतने के लिए उसका पेट जीतना बहुत बहुत जरूरी है। तुम्हारी दादी ने औरतों का दिल जीतने के लिए कुछ नहीं कहा? हाय हाय, जैसे जानते नहीं हो। तुम्हें तो लड़की फंसा लड़की भगा कॉलेज का लफंगा लेक्चरर होना चाहिए था। अच्छा, लफंगा होना भी जरूरी है? हो नहीं क्या, शरीफ आदमी शादी के बाद प्यार करते हैं और तुम जैसे लफंगे शादी से पहले। लफंगा ही सही लेकिन प्यार तो करते हैं ना। इसी तरह धर्मेंद्र के साथ भी शर्मिला ने कई सुपरहिट फिल्मों की बदौलत अपने दर्शकों का जबरदस्त मनोरंजन किया। कोइंसिडेंटली शर्मिला टैगोर और धर्म जी बोथ शेयर द सेम बर्थ डेट 8 दिसंबर। मैं घर जाऊंगा तो माँ और गौरी जरूर पूछेंगी कि उमर को जन्मदिन का तोहफा कैसा लगा। क्या जवाब दूंगा मैं, झूठ बोल नहीं सकता, सच कहने की हिम्मत नहीं। मैं तो बड़ी खुशी के साथ आया था यहाँ, सचमुच अगर मुझे पता होता मेरे आने से आपको दुख होगा तो कभी ना। नहीं नहीं, इसमें आपका क्या दोष है? दोष होता तो फिर बात क्या है, निर्दोष होकर दोष लगना। खैर एक बात तो हुई ना, मैं आपको बधाई देने आता ना आप दुखी होती, मगर अब मां और गौरी से जाकर यही कहना पड़ेगा कि मैंने उमा को रुला दिया। तो फिर इधर देखिए मेरी तरफ, मुस्कुराइए, कम से कम माँ और गौरी के लिए कुछ तो ले जाऊं, मुस्कुराइए ना। आपके जन्मदिन पर बधाई देने आया लेकिन आपने एक टुकड़ा मिठाई तक नहीं खिलाया। नहीं नहीं बैठिए, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, मैं बाहर से जितना चुप्पू उबू हूँ ना अंदर से उतना ही शैतान हूँ। पर अगर कोई मुझसे पूछे कि उनका सबसे शानदार परफॉर्मेंस किस फिल्म में रहा तो मैं कहूंगी गुलजार साहब की फिल्म मौसम में। No wonder she won the National Award for her mesmerizing double role performance. Mid-70s में शर्मिला बॉम्बे से दिल्ली शिफ्ट हो गईं, लेकिन फिल्मों के सिलसिले में वो बॉम्बे आती रहीं। और दूरियां, नमकीन, दूसरी दुल्हन, देश प्रेमी, सनी जैसी फिल्मों में नजर आईं। वहीं 90s और 2000s के दौरान मिसिसिपी मसाला, मन, धड़कन, एकलव्य, विरुद्ध, 8x10 तस्वीर जैसी कुछ और फिल्में करते हुए सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन भी रही। तो अब बारी है शर्मिला टैगोर की कुछ सीन्स देखने की। सुनी, तुम्हारा बचपन का दोस्त और तुम उसे लेकर इस तरह की बात सोच रहे हो? जो तुम सोच रही हो मैं सोच रहा हूँ, वो मैं नहीं सोच रहा हूँ। वही सोच रहे हो, साफ लिखा है तुम्हारी शक्ल पर। देखा,
अब कितना गलत पढ़ने लगी हो। जरा सही पढ़कर सुना दो ना। सुना दूं? सैलो की कुछ बाकी है? हाँ है, सुनो। मैं ये नहीं सोच रहा कि तुम्हारा सुनील के साथ चल रहा है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम दोनों इस काबिल ही नहीं। दूसरों की काबिलियत को छोड़ो, साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो। जानना चाहता हूं। जानो, सुनील के साथ जिस तरीके से तुम बातें करती हो, हंसी मजाक करती हो, उस तरीके से मेरे साथ पेश क्यों नहीं आती हो? आती थी, शादी से पहले आती थी। शादी के बाद क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। शादी से पहले तुम बोलते थे, मैं सुनती थी, मैं बोलती थी, तुम सुनते थे, और अब तुम बोलते हो, कोई और सुनता है, मैं बोलती हूँ, कोई दूसरा सुनता है, और जब हम दोनों बोलते हैं ना तो पड़ोसी सुनते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? सारे गलतियां पर तुम ही तो रोशनी डालते हो, तुम ही बताओ क्या हुआ। शादी से पहले तुम सिंगार करती थी किसके लिए, खुश रहती थी किसके लिए, सजती थी किसके लिए? तुम्हारे लिए। और अब? और अब खुश रहती हूँ तुम्हारी पार्टियों में, खुश लगती हूँ जब बाहर जाती हूँ, खुश दिखती हूँ जब बाहर से कोई आता है, सजती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ दूसरों के लिए। क्यों? क्यों? क्योंकि अब तुम्हें साजो श्रृंगार से क्या लेना देना है अमर, अब तो तुम्हें खुशी मिलती है सिर्फ मेरे कपड़े उतारने में। अब तो इससे भी तंग आ चुका हूं। नेचुरली एक ना एक दिन हर खेला खाया पति अपनी पत्नी से तंग आ जाता है, तुम्हारे चाल चलन से भी तो यही लगता है। और तुम्हारे चाल चलन से क्या लगता है? यही, मैं एक सस्ती झगड़ालू औरत, जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। वैसे मैं सच के सिवा कुछ कहती भी नहीं हूँ। आपका नाम? कौन सा नाम? आपके कितने नाम? जो मुझे जैसे प्यार से पुकारता है। हवा से कहा जाए तो वो चश्मा उतार कर अपना बयान दें। Is it necessary, Your Honor? आप चश्मा उतार ही दें तो बेहतर। आप अदालत को वही नाम बताइए जो आपके माँ बाप ने रखा था। मिस रमा चौधरी। और कौन सा नाम है आपका? शादी के बाद रमा सेन, फिलहाल रोजी। इसका मतलब ये हुआ कि रमा और रोजी एक ही लड़की के दो नाम है। और भी बहुत से नाम है वकील साहब, जाने मन, नूरे नजर, प्रिया, उर्वशी। कोई कोई तो प्यार से जाने जिगर और दिल रुबा भी कहता है। आप इंद्रजीत मुखर्जी को कैसे जानती हैं? कैसे का क्या मतलब? जानती हूँ, इतना ही काफी नहीं है। क्या आपने उन्हें कभी रुपया दिया था? जी हाँ दिया था। कब दिया था? एक तो तब जब मैं रमा सेन थी, करीब 25,000 के जेवर दिए थे जिन्हें बेचकर उन्होंने अपनी फैक्ट्री शुरू की थी। फिर? और फिर कुछ महीने पहले जब इनकी फैक्ट्री में किसी ने 3,00,000 रुपए का गबन किया था, उस वक्त मैंने फैक्ट्री को बचाने के लिए 3,00,000 रुपया जबरदस्ती इन्हें दिए थे। इसका कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ है, यह है बैंक का स्टेटमेंट जहां से मैंने रुपया निकाला था। योर ऑनर, दिस स्टेटमेंट प्रूफ हर पॉइंट। दैट्स ऑल योर ऑनर, माय लर्नेड फ्रेंड मे टेक ओवर। रमा देवी उर्फ मिस रोजी, ये जो 3,00,000 रुपए आपने इंद्रजीत मुखर्जी को दिए, ये आपके पास कहां से आए? ये मेरी खुद की कमाई है। आपने इतना पैसा कैसे कमाया, कब कमाया? ऑब्वियसली एक दिन में नहीं, सालों में कमाया और धीरे धीरे जमा किया। क्या ये भी बताना जरूरी है कि कैसे कमाया? जी हाँ जरूरी है। तो जवाब ये है कि जब मैंने वो रास्ता अपनाया जिसे लोग पाप का रास्ता कहते हैं। इसीलिए आप ऐसे कपड़े पहन के अदालत में भी चली आए। क्यों? अदालत से मुझे कोई ऐसा हुक्म भी नहीं मिला था कि मैं बुर्का पहन कर आऊं। अपना बहुत खूबसूरत नाम है,
जी, पहली बार देखा। जैसा नाम वैसा ही चेहरा, और जैसा चेहरा वैसा ही नाम। मैं चाय बना के लाती हूँ, लेकिन मुझे चाय बनाना नहीं आती। अगर ठीक नहीं बनी तो? रहने दीजिए ना, मैं कॉफी ही पी लूंगी। नहीं नहीं, जो पसंद वही पीजिए। कहते हैं आदमी आदत छोड़ दे पर पसंद नहीं छोड़नी चाहिए। अरे, आपको अकेली छोड़कर चले गए? आदमी ऐसे ही होते हैं। लीजिए। तुम्हारी, मैं तुम्हें तुम ही बोलूंगी, तुम्हारी शादी होगी? नहीं, माँ बाप के साथ रहती हूँ। एक सहेली के साथ। कैसी है? महक तो बहुत अच्छी है। आपका लड़का कितना बड़ा होगा? अगले महीने 8 पूरा करेगा। पी के तो देखिए, मुझे सचमुच चाय बनाना नहीं आती। सचमुच बहुत अच्छी है। बन गई होगी। इतने देर क्या कर रहे हो? लगता है हम दोनों से मैं अभी बुला लाती हूँ। अच्छी है लड़की, बहुत अच्छी है। बड़ी खुशकिस्मत हो तुम। प्रेमिका तो पता नहीं कैसी है, वो तुम बेहतर जानते हो, लेकिन पत्नी अच्छी बनेगी। तुम खुश रहोगे, बहुत सुखी रहोगे। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। दादी माँ, इस जगह को छोड़ के जाने का दिल नहीं करता। Everything is so beautiful, so beautiful. ये जगह इतनी खूबसूरत क्यों है जानती हो बेटी? ये जगह हमने अपने मन से बनाई है। यहाँ हमारी एक छोटी सी दुनिया बनाने का एक सपना सजाया था हमने। सोचते तो नामुमकिन लगता था, पर मन कहता ये सपना जरूर सच होगा। और हुआ। एक बात बताऊं बेटी, ये दिमाग हमें बहका सकता है, पर मन, मन कभी धोखा नहीं देता। हमेशा अपने मन की बात सुनना बेटी, फिर जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हासिल होंगी। 22 दिसंबर 2011 को पटौड़ी की डेथ के बाद शर्मिला वैसे तो अकेली हो गई हैं, लेकिन उनके बेटे सैफ अली खान और बेटियां सबा और सुहा उनका ख्याल रखते हुए अपने अपने करियर में वेल सेटल्ड हैं। शर्मिला टैगोर अब 5 बच्चों की ग्रैंड मदर भी हैं, जिनमें से सारा अली खान ऑलरेडी उनके नक्शे कदम पर चल रही हैं, और नन्हा सा तैमूर इज ऑलरेडी अ बिग स्टार इन हिज ओन राइट। इन सब के बावजूद शर्मिला टैगोर के ग्लैमर का जादू अभी भी बरकरार है, और ग्रेस, एटीट्यूड और स्टाइल के मामले में आज भी उनका जवाब नहीं। अगर मुझे कोई ब्यूटीफुल एक बाग दे दे ना, गार्डन, नेचर, ठीक है, विद लवली ट्रीज एंड, उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई रियली लाइक इट। अभी तो मैं दिल्ली में रहती हूँ ना, बिल्कुल सही, और सब बच्चे यहाँ रहते हैं, सब बड़े हो गए हैं, सबके अपने अपने लाइव्स हैं। अभी मेरे पास 2 कुत्ते हैं, एक है मिष्टी और एक है निमकी। तो अगर आप मुझे पूछे तो दीज टू आर माई फेवरेट। लाइक आई सेड, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डन, तो आई डू अ लॉट ऑफ गार्डनिंग, आई रीड लॉट ऑफ बुक्स, आई ट्रैवल अ लॉट। कितने सारे चीज नहीं देखा, एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इट्स ओके। 24 आवर्स इज Not difficult. इसी के साथ अभी के लिए मैं यानी अदा लेती हूँ आपसे विदा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, रखिए अपना ख्याल। मिलेंगे स्क्रीन लेजेंड्स के अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।